रूट अपडेट। हम लोग रास्ता भटक गए और अब हमको जाते उधर जाने का है, हैं। वहां पे क्या बोलती पब्लिक। सो भाई लोग, आज है 5 नवंबर एंड फ्राइडे एंड अपन निकल गए अपनी सोलो ट्रिप पे। सो अभी मैं हूँ दिल्ली में एंड मेरी बस है यहाँ पे मजनू का टीला करके कोई एरिया है वहाँ से, एंड आई विल बी हेडिंग टू शिमला। एंड कल सुबह मैं शिमला पहुँचूँगा अराउंड 9 in the morning, फिर देखते हैं घूमेंगे वहाँ पे। सी यू देयर। अपन आ गए हैं अभी अपने बस स्टॉप पे, कुछ ऐसा है। बाय द वे, मैं हूँ मजनू के टीले पे और अपनी बस आने वाली है 10:30 बजे। मैं यहाँ पे आ गया हूँ 9:30 बजे। एंड एक तो दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, प्लस यहाँ पे बहुत भीड़ है। देखो सब इधर जितने दिख रहे हैं सब ये शिमला जाने वाली जनता है, वहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं पीछे भीड़ में सब तरफ। देखते हैं क्या होने वाला है। अपनी बस आ गई है भीड़ू। भाई लोग अभी हम लोग रुके हुए हैं किसी ढाबे पे, रात की 3 बज रही हैं एक नियरली, शायद हम लोग चंडीगढ़ के आसपास हैं। एंड बस में मेरे को आ रही थी बहुत गंदी वाली नींद, तो मैंने व्लॉग नहीं किया है ना, फिर भी मैं वापस जाके सोने ही वाला हूँ क्योंकि आई डोंट फील लाइक कि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे को नींद बहुत आ रही है। तो बाय बाय। अब भाई लोग अपन पहुंच गए हैं शिमला में। बस का सफ़र थोड़ा सा हिला हुआ रहा, मतलब क्योंकि रास्ते में चंडीगढ़ की तरफ अपन को ये लोग ने बस चेंज करवाई थी, पता नहीं कुछ लफड़ा हुआ था क्या हुआ था। तो जो सेकंड बस थी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, तो ठीक है मत निकल गया, सोते सोते निकल गया टाइम। अभी अपन है न्यू बस स्टैंड पे और यहाँ से अपने को जाना है पुराने बस स्टैंड, जहाँ से एक लोकल बस मिलेगी और वहाँ से अपने को मिलेगा जाने को एक्चुअल शिमला में। तो अभी जो अपना स्टे है बोले तो जो हॉस्टल मैंने लिया है वो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, तो 2.5 किलोमीटर का अपन वॉक ले रहे हैं क्योंकि चेक इन टाइम 12 बजे का है, तो 12 बजे तक अपन घूमते फिरेंगे। ढाई किलोमीटर का ट्रैक है ऐसे मान लो, क्योंकि अपने को ऊपर चढ़ना है। वैसे मेरे को बताया गया था कि बसेस भी चलती हैं, आपको पता नहीं है कि वो कैसे लेनी है, तो मैंने सोचा 2.5 किलोमीटर ही है पैदल चलते हैं। और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं क्या बताऊँ, आप पीछे देख ही सकते हो, पीछे एकदम खाई सी है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एंड पहाड़ है मेरे राइट हैंड साइड में। SSB शिमला हेडक्वार्टर्स इधर है शायद, इधर। तो
अपन लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और ये थोड़ा सा रास्ता है करीब 100 मीटर का और, एंड वी विल बी इन द हॉस्टल। सबसे पहले करते हैं हाथों को सैनिटाइज। भाई चांस नहीं लेना, अभी भी कोविड तो फैल रहा है ना। आ चुके हैं अपने हॉस्टल में, एंड ये थोड़ा सा ऐसा स्लीपिंग पॉड जैसा है, बोले तो जैसा अपन स्लीपर बस में होते हैं वैसा। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ, बस का राइड वाज नॉट एट ऑल गुड। सोते हैं थोड़ी देर, फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, देन आपसे मिलते हैं शिमला की घूमने फिरने वाली जगह। बाय बाय। सो भाई लोग, हॉस्टल का सीन ऐसा है कि मैं हूँ अभी एक एबस ओसी नाम के हॉस्टल में, जो शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से 2 किलोमीटर पड़ता है, एंड मेरे को काफ़ी चीप पड़ा। इट इज़ लाइक 450 वन नाइट का, विच इज़ काफ़ी अच्छा, एंड ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड। और यहाँ पे मेरे को और भी सोलो ट्रैवलर्स मिल गए जिनके साथ अभी विल एक्सप्लोर शिमला। सो सी यू देयर। डे वन शिमला, वेलकम टू द व्लॉग गाइस। अभी फ़िलहाल मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारे सोलो ट्रैवलर्स मिले जिनके साथ मैं ग्रुप में ट्रैवल करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, देन वील गो टू, कहाँ जाने वाले अपन? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे को मिले यहाँ पे 3 सोलो ट्रेवलर्स, मनीष, शाकिब भाई एंड ऋतिक। ऑलमोस्ट सब दिल्ली से ही है, तो अभी देखते हैं आगे। हम लोग मॉल रोड जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, फिर वहाँ से कहाँ जाने वाले अपन? मॉल रोड जा रहे हैं, नहीं नहीं उसके बाद जाने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल। चलो फिर मॉल रोड चलना है, तो फिर यहीं से बस माल रोड की तरफ पैदल जाते हुए मनीष भाई अपने को गाइड कर रहे हैं। और हम यहाँ पे कॉटन कैंडी खाते हुए ऋतिक भाई के साथ। अपन लोग के इधर क्या बोलते हैं इसको, गुड़िया के बाल। बहुत प्यारे नज़ारे के साथ मॉल रोड शुरू हो गया है भाई लोग। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ सेल्फ के लिए यार, वो तो ऑफिस बता। यार ऐसा है ना, देख आईटी के बाद अगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो शायद मैं म्यूजिक का स्टूडियो खोल रहा हूँ। मे बी
मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ कंपोजर और या लाइक सिंगिंग वगैरह नहीं कंपोजर प्रोड्यूसर बीट्स वगैरह हो गए हिप हॉप म्यूजिक हो गया देन इफेक्ट्स हो गए साउंड इफेक्ट हो गए फिल्म के पीछे जो बैकग्राउंड चलता है उस टाइप की चीज़ें हो गई मतलब एक तरह से फिल्मिंग में अपने को जो काम आता है ना वो सारी चीज़ें करता हूँ हम ढूंढ रहे हैं नाश्ता करने की जगह और अभी हम लोग हैं अभी हम लोग मधुमक्खी आ गई थी भाई अभी हम लोग हैं शिमला की काफ़ी आइकॉनिक जगह पे इसको बोलते हैं द रिज काफ़ी सारी मूवीज वगैरह में भी आया हुआ है ये तो अपन लोग पहुंच गए हैं शेरे पंजाब नाम की कैफ़े पे जहाँ पे अपन लेने वाले हैं आलू पराठा पनीर पराठा चाय आलू पराठे और पनीर पराठे खा लिए मनीष भाई कैसा लगा खा के बहुत बढ़िया लगा और बढ़िया लगा बस चाय बढ़िया थी भाई चाय अदरक ज़्यादा होती और मज़ा आता हाँ यार चाय में मसाला चाय पता है चाय जो अपने वहाँ की होती है ना भाई राजस्थान वाली चाय सब जगह नहीं मिलती है ना आपको नहीं पता वो पूछ लेना सेंचुरी वगैरह तो मतलब कितना वॉकिंग पे क्या वॉकिंग रूट अपडेट हम लोग रास्ता भटक गए और अब हमको उधर जाने का है वहाँ पे इधर से दिखाते थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ हम इस तरफ चढ़ गए हमको इसके ऑपोजिट वाली जगह पे चढ़ना है रुक जा भाई बाइक लेंगे मस्त घूमेंगे पर कल मैं निकलूंगा अभी परसों मैंने क्लास रखी है क्या ही होती है पढ़ाई अपनी नहीं है ना क्लास है वैसे तो मतलब मॉर्निंग में स्टार्ट होती है 1 बजे बढ़िया कि हां फिर भी कल रात तो पहुंच जाएंगे तो रास्ता भटक के कैसा महसूस कर पा रहे हैं बहुत मजा आ रहा है आसमान की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और बहुत मजेदार है एक और फुद्दू कटी है थैंक यू मनीष भाई बताओ क्या हो गया हम लोग ने पता है यहाँ से स्टार्ट किया था मॉर्निंग में इस बिल्डिंग से एंड हम यहाँ से गए और यहाँ से निकल गए और हम लोग को जाना था बर्ड सेंचुरी और हम रास्ता भटक चुके हैं लोगों को पूछ पूछ के भी रास्ता भटक चुके हैं सो प्राउड ऑफ मी नजारा देखने को मांगता है क्या भाई लोग यहाँ पे बढ़िया होगा बहुत प्यारी जगह पे आए हैं हम लोग वैसे किसी होटल का रूफटॉप है लेकिन यहाँ पे पब्लिक अलाउड है तो हम लोग आ गए लोग ने त्रियुंद का मनाली वाला व्लॉग नहीं देखा है
उसको जाओ देखो, त्रिउन का तुमको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, मनाली का भी तुमको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो के एंड में भी मैं कार्ड ऐड कर दूंगा जिससे तुम लोग देख सकते हो, देखना ज़रूर, अच्छा लगे शेयर करो, कमेंट करके मेरे को बताओ कि तुमको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एक भयंकर बात बताऊँ आपको, कहाँ से चल के आ रहे हम लोग पता है? वहाँ से बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही है वहाँ से, और अभी भी हमको शॉर्ट नहीं है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं, यानी अभी पहुँच के ही पता चलेगा। बहुत देर की वॉक के बाद हम लोग आ गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। यहाँ पे क्या है वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज? पता कर रहे हैं, ये एक मिस्ट्री है, अभी हम देखने हैं यहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल, तो आओ आप लोग भी हमारे साथ पता करो। देर का ब्रेक लेते हुए, व्यू बहुत प्यारा है लेकिन यहाँ पे ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। बोले तो यहाँ पे सिर्फ रिसर्च होती है, इधर किसी को रिसर्च विसर्च में इंटरेस्ट है, किसी को बोले तो रिसर्च करने का है, तो यहाँ पे तुम अपना रिसर्च सबमिट कर सकते हो, उस बेसिस पे एडमिशन होता है। एंड बहुत फायर जगह बनी हुई है, गूगल पे देख सकते हो, और बिल्डिंग इतनी प्यारी बनी हुई है ना, एकदम जो मेहू नाम है कॉलेज था ना शाहरुख खान वाला, उस टाइप का कॉलेज बना हुआ है। दिन की तीसरी चाय और बड़े प्यारे समोसे खा के कैसा लग रहा है ऋतिक भाई? बहुत जबरदस्त, एकदम भर चुके हैं, पूरी तरह से भर चुके हैं, एनर्जाइज फॉर अनदर। और अभी हम लोग को नहीं पता है फिर विल्लागिरी करेंगे पूरे शिमला में, तो घूमते हैं। जगह बड़ी प्यारी है, बहुत शांत और सॉर्टेड। और हम लोग मनीष भाई की गाइडेंस के साथ साथ शिमला के दूसरे छोर पे, तीसरे छोर पे एक्चुअली, ये देखो यार हम लोग वहाँ थे, फिर हम वहाँ से हम लोग वहाँ थे, वहाँ से घूमते हुए ऐसे घूमते हुए हम यहाँ आए, और अभी हमको और जाना है, 15 मिनट का वॉक और है, जहाँ से अपने को मिलेगा चैडविक वाटरफॉल, जो होपफुली अच्छा नहीं है ऐसा सब लोग ने रिव्यूज़ दिया है। जंगल के बीच से शॉर्टकट लेते हुए हम लोग, यही एडवेंचर और सिर्फ एक चीज़ के लालच में जा रहे हैं कि नीचे बैठ के अच्छे नज़ारे के साथ रेडबुल पियेंगे, फिर इतना ही ऊपर चढ़ के पूरा शिमला के राउंड लेके और हम लोग अपने हॉस्टल जाएंगे। ऑफ बीट शिमला का टूर करते हुए हम लोग जंगलों के बीच में, हम लोग वैसे रास्ता भटक गए तो हम लोग बस चलते जा रहे हैं, कहीं मिल गया कुछ तो बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे हॉस्टल जाके सो जाएंगे। भाई बुरी तरह रास्ता भटक चुके हैं अपन, अपना तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, ना मैप मिल रहा है ना कुछ, और शिमला रह गया उधर, वो वहाँ पे अगर दिख रहा है तो। और मैं शिमला के पता नहीं किस कोने में हूँ, और पूरा जंगल है इधर, ना कोई इंसान ना कुछ, हम चार लोग हैं। भाई एक बात समझ लो, शिमला आए हो चैडविक वाटरफॉल विजिट करना है, गाड़ी लेके आना, हमारे जैसे पैदल मत आना, लग गई है भाई, पहले तो आना नहीं, आना ही नहीं क्योंकि कुछ नहीं है ऐसा, हमको बिल्कुल जंगल है भाई, और खाई भी है इधर, और इतना पतला सा रास्ता है बस। थकान लग चुकी है भयंकर वाली, अब जाके सिर्फ सोने की हालत होगी, खाना खाएंगे और सोएंगे। तरह से निराशा लेते हुए हम लोग रिटर्न हो रहे हैं सेम रूट पे वापस, क्योंकि रास्ता गोल 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 घुमाया जा रहा है, और हमको
कहीं कोई वाटरफॉल का आवाज़ नहीं आ रहा है, ना कहीं लोग दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चले जाते हैं मेन रोड पे, वहाँ से हमको 4 बजे के करीब बस मिल जाएगी। अभी 3 बज रही है तो देखते हैं। और यहाँ ये जंगल भी काफ़ी घना है तो थोड़ा सा ऐसा अंधेरा होने को आएगा तो डर लगेगा। शकीब भाई कैसा लग रहा है चोट खा के? बस मत पूछो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो आप ऋतिक भाई? भावनाओं की जगह ही नहीं बची है, वो भी दर्द ने घेर ली है। 15 किलोमीटर का शिमला का वो क्या बोलते हैं परिक्रमा करके। सही बात भाई, सही अच्छा खासा टहल लिया है। मनीष भाई लेग वर्कआउट कैसा रहा? बहुत बढ़िया। आप लोग ट्राई जरूर करना। जिम करते ना 3 घंटे भाई। सैटरडे को लेग डे होता है, हमने इतना कर लिया है कि लेग की सारी मसल बराबर। छोटा सा अपडेट, हम चलते चलते शिमला से आगे कोई नेरी करके गांव है वहां पे पहुंच गए। अब यहां से हमको बस मिलेगी 4 बजे, मतलब 1 घंटा बचा है उसमें। अभी 3:15 करीब हो रही है तो मतलब 40 मिनट्स यहां पे हम वेट करेंगे, फिर बस में बैठ के जाएंगे। वो हमको छोड़ेगी शिमला के माल रोड, वहां खाएंगे थोड़ा बहुत, फिर जाएंगे हॉस्टल, फिर निकलेंगे कल। अब जो आज का हो गया भाई, आज थक गए बहुत ज़्यादा। ये गांव देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ 20 फैमिली रहती है ऐसा ये भाई बोल रहे हैं है ना। यहाँ पे जाके देख लो लिखा हुआ है, इनके पास प्रूफ भी है तो कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। थोड़े से विंग्स की जरूरत है। यहाँ से सारा शिमला दिख रहा है, सारा है ना। हम लोग शिमला की अपोजिट साइड में। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। फाइनली बस आ गई है, बस अभी गई है उधर। और वो मतलब वहाँ पे गांव है, जो भी ये जो इस गांव में हम आ गए, नाम मैं भूल गया हूँ, बट अब वो बस आएगी 15 मिनट बाद और हमको लेके जाएगी ओल्ड बस स्टैंड शिमला, जहाँ से हमारा हॉस्टल पास में है। तो जाएंगे उधर, उससे पहले कुछ खा लेंगे एंड बस जाके सो जाएंगे। इधर देखो जनता फुल थकी हुई है भाई लोग। अपने मनीष भाई ने पोएम लिखी है, बहुत मस्त लिखते हैं, ठीक है। जब तक बस आ रही है भाई अपने को पोएम सुनाएंगे, अप्रिशिएट करना कमेंट करके, है ना। मस्त तो लिखते हैं, पर वही है ना कि हम पहले दिन तारीफ चालू हो जाओ भाई, चालू हो जाओ। मैंने अपनों को बदलते देखा है, मैंने सपनों को बदलते देखा है, स्वप्न के कारावास में सो रहे राही को चादर चढ़ाए करवट बदलते देखा है, राहों को बदलते देखा है, किनारों को बदलते देखा है, मृग तृष्णा की चाह रखे राम को सीता की याद में तड़पते देखा है, यारों को बदलते देखा है, नजारों को बदलते देखा है, कर्ण का सामर्थ्य शकुनी की चाल बदलते देखा है, नेताओं के झूठे वादे हालात बदलते देखा है, शुप्पल जीवन के सपनों का हकदार बदलते देखा है, पुलवामा के आरोपियों के लिए आक्रोश पनपते देखा है, आसिफा हत्याकांड में जज्बात बदलते देखा है, शब्दों की कटाक्ष से सम्मान बदलते देखा है, सम्मान किया था भाई का तिरस्कार झलकते देखा है, आज भी खड़ा है अभिमन्यु इस चक्रव्यूही संसार में, इस चक्रव्यूही संसार में जंजाल बदलते देखा है, सक्षम है एकलव्य आज भी गुरुदक्षिणा के बलिदान में, पर मांग अंगूठा हाथ का हकदार बदलते देखा है, अर्जुन तो हैं कई आज भी परंतु गुरु द्रोण का स्वाभिमान बदलते देखा है, किस्मत बदलती देखी है, संसार बदलते देखा है। भाई एक नंबर, एक नंबर लिखी है भाई। देखो ये भाई अपना फिटनेस में भी है, काफ़ी अच्छा कोच है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है फिटनेस से रिलेटेड कुछ पूछना है, यू कैन कमेंट डाउन, कमेंट करके बताओ पोइट्री कैसी लगी बताओ, ठीक है। भाई अभी किसी सोशल मीडिया पे है नहीं, मुंह माया से दूर है तो अपन इनका सोशल मीडिया तो नहीं दे पाएंगे, बट तुमको कोई भी मैसेज इनको भेजने का है तो तुम कॉमेंट करो, अपने को बताओ, अपन डिलीवर करेंगे। बस आ गई है 3 घंटे के इंतजार में, ऐसे जान में जान आ रही है। एक घंटे की बस राइड के बाद पहुंच गए अपन फिर से शिमला। बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर से माल रोड पे, मॉल रोड पे
धमाल करते हुए, धमाल नहीं हमारी हालत ख़राब हो गई भेड़ू बोले तो, पैरों के बैंड बच चुकी, वाट लग गई। अभी जाएंगे इधर रिज करके कोई एरिया है तो उधर एक्सप्लोर मारेंगे। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मेरे से बुरी हालत। मनीष भाई एकदम आंख सेकते हुए, मनीष भाई एकदम व्यवहार हो गए आंटी से, पैसों का सेटलमेंट करते हुए जेब टू जेब में। ओ भाई लोग, अपन लोग अभी बैठे हैं मॉल रोड पे एक छोटे से लॉज में, एंड अब मतलब बड़ा सा लॉन्ज है, काफ़ी बड़ा लॉन्ज है वैसे तो। अभी बस व्लॉग को एंड करते हैं फिलहाल। आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट डाउन बिलो, लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी सबसे बेस्ट पार्ट लगा डू शेयर इट। मिलते हैं कल के दिन।